अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरत से होंगे। आज के ब्लॉग में मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एरिना की शॉपिंग हॉल, कि मैंने उसके लिए समर जो क्लियरेंस सेल है क्या क्या लिया है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ दिखाना। सबसे पहले है ये आउटफिटर से मैंने लिया है, ये सूट मैंने ली है मैरून कलर में। आजकल ये वाले डिज़ाइन बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत चल रहे हैं, तो मुझे बहुत पसंद आई इसकी डिज़ाइन। और इसके साथ ये प्लाजो है जो शॉर्ट्स है, ये मैंने ली है। और इसके बाद ये टी शर्ट मैंने ली है, ये मैंने आउटफिटर से ली है। ये टी शर्ट भी मैंने आउटफिटर से ही ली है। ये है ये रेनबो स्टाइल में पिंक कलर में। ये सारे मैंने इसकी अगली जो समर है उसके लिए ली है, इसलिए मैंने साइजेस थोड़े बड़े बड़े लिए हैं। ये एक नाइट सूट है, ये मैंने ये भी आउटफिटर से ही लिया है। ये नाइट सूट भी है और ऐसे जब घर के पास पार्क वगैरह में जाए या किसी स्टोर वगैरह पे तो ये बच्चे पहन सकते हैं। ये भी पिंक कलर में है और वाइट के कंट्रास्ट में है। ये भी आउटफिटर्स का है। और इसी के साथ इसकी ये ट्राउज़र है, ये ट्राउज़र है इसका। ये सारे मैंने बड़े साइज़ में लिया है, 2 to 3 इयर्स का। ये ग्रीन पिस्ता कलर का ये टी शर्ट लिया है, ये भी आउटफिटर्स का है। ये भी मुझे इसका कलर और ये प्रिंट्स मुझे बहुत पसंद आए थे, तो ये भी मैंने समर के लिए लिए हैं। वैसे भी समर में बहुत ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत होती है बच्चों को। उसके बाद नेक्स्ट ब्रेक है, ये भी है आउटफिटर्स का। एक एक करके मैं निकाल के दिखाती हूँ। तो ये है फ्रॉक येलो कलर में, इसमें ये एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये धागे का काम है इस पर छोटे छोटे जो बेल और फूल वगैरह बने हैं। और ये बैक से इस डिज़ाइन में है। और इसके साथ है, इसके साथ इसकी पिंक कलर की टाइट्स है, इस पर भी ये ब्यूटीफुल सी एक इमोजी बनी है। ये भी आउटफिटर्स का है, इसकी टैग ये भी आउटफिटर्स से ही मैंने ली है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये स्टिचेबल फैब्रिक में है पीच कलर में। ये भी ड्रेस है पूरी, ये भी आउटफिटर्स की है। ये भी मैंने 2 to 3 इयर्स के हिसाब से ही लिए हैं, इसलिए ये थोड़े बड़ी साइज में है। उसके बाद ये मैंने ली है एक ये वाला ड्रेस, ये कॉटन की फैब्रिक है इसकी। और ये भी मैंने आउटफिटर से ही लिया है, ये यहाँ पे इसके जो ये एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है और बैक इसका प्लेन है बिल्कुल। ये भी मुझे इसकी डिज़ाइनिंग बहुत पसंद आई थी, तो ये भी मैंने ले ली है। इसकी साइज़ भी वही है, थोड़ी बड़ी है साइज़। इसके बाद कुछ टाइट्स मैंने लिए हैं, टाइट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है बच्चों को, इसलिए किसी के साथ भी मैचिंग की वो हो जाती है, मैचिंग करके पहन सकते हैं। तो ये येलो कलर की मैंने टाइट्स ली है, ये भी आउटफिटर्स की है। इसके बाद ये एक बहुत ही प्यारी यूनिकॉर्न वाली जो प्रिंट है टाइट्स, ये भी मैंने ली है। इसके यहाँ पे इलास्टिक है और ये पिंक ब्लू और गोल्ड कलर की एक इलास्टिक लगी हुई है, बहुत ही प्यारी लगती है पहनने में बच्चों को। ये भी मैंने ली है आउटफिटर से। नेक्स्ट है ये मैंने थोड़ा छोटा लिया है क्योंकि ये मोटे स्टफ में है, ये मैंने इसी विंटर के लिए ली है। ये भी आउटफिटर्स में, ये इनके न्यू अराइवल में से था
और ये जो सारे हैं ये इनकी जो क्लियरेंस सेल चल रही है ये उसमें से मैंने ली है। और नेक्स्ट ये एक पीच कलर की और टाइट्स है, ये भी आउटफिटर्स का ही है, ये बिल्कुल प्लेन है, इसकी ये लेस लगी है यहाँ पे और बाकी बिल्कुल प्लेन है। ये एक शूज मैंने ली है अलीना के लिए, बहुत ही खूबसूरत इसकी कलर कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हैं पहनने में तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये भी मैंने इतना साइज इसका बड़ा मैंने नहीं लिया है क्योंकि ये मैंने स्पेशली इसी विंटर के लिए ली है, तो मैंने जो अभी का साइज है उसी के हिसाब से ही ली है। तो ये भी आउटफिटर्स का है। एक और टी शर्ट मैंने ली है इस कलर में, ब्लू कलर में, और उस पर ये खूबसूरत एक ये चींटी का मिकी माउस का प्रिंट बना हुआ है, और ये है पेपर लेंथ का, ये मैंने वहाँ से लिया है, ये भी उनकी क्लियरेंस जो सेल लगी हुई थी उसमें से मैंने ली है। नेक्स्ट ये है, ये भी टी शर्ट है और वाइट ये पोल्का डॉट वाले ब्लैक, और इसके साथ ही इसका ये शॉर्ट्स है पिंक कलर में, बहुत ही प्यारी लगती है इसकी कॉम्बिनेशन और कलर कंट्रास्ट, और इस पर भी ये प्रिंट्स बने हुए हैं। ये भी ही मैंने ली है, ये भी पेपर लेंथ से ही लिया है मैंने, ये इसकी भी साइज मैंने थोड़ी बड़ी ही ली है, ये भी मैंने पेपर लेंथ से ली है। इसकी भी मुझे प्रिंट और कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी लगी थी क्योंकि इस कलर में अलीना के पास अभी तक कोई भी ऐसी ड्रेस नहीं है, तो ये भी मैंने इसकी समर के लिए ली है। ये आगे से ऐसे इसके गले पे ये डिज़ाइन बने हुए हैं, और पीछे से मैं आपको दिखाती हूँ, पीछे से भी वही डिज़ाइन ये, और यहाँ पे इसके दो शोल्डर पे जो लगे हुए हैं, और नीचे से ये राउंड में थोड़ा सा। अच्छा नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ क्या मैंने लिया है। मैंने भी ये बिल्कुल प्लेन ड्रेस ली है, इस पर कुछ भी नहीं है, बस ये गले पे थोड़ी डिज़ाइनिंग है। अच्छा ऐसे प्लेन ड्रेसेस जो है ना वो बच्चों के बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, मुझे तो ज़्यादातर इसी तरह के जो डिज़ाइन होते हैं ना बहुत पसंद है बच्चों के लिए, तो ये मैंने लिए हैं। इसके बैक पे भी वही डिज़ाइन है और नीचे से बाकी पूरा प्लेन है, ये लॉन के स्टफ में है पीच कलर में, ये भी ये मैंने लिया है लूजर क्लब से। इसके बाद मैंने ये वाइट में एक ड्रेस ली है, ये पूरा प्लेन वाइट है, ये राउंड इसकी जो नेक बनी हुई है और नीचे इसके दामन पे ये जिगजैग वाला कुछ डिजाइन्स लगे हुए हैं, और पीछे इसका बैक बिल्कुल प्लेन है। ये मैंने लिया है, ये मैंने ली है हॉपस्कॉच से, ये भी एक बहुत प्यारी सी ड्रेस है, वाइट ग्रीन और येलो की कंट्रास्ट में, यहाँ पे एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा पाइनएप्पल बना हुआ है, और ये भी इस पर प्रिंट भी पाइनएप्पल के हैं बने हुए, ये भी मैंने हॉपस्कॉच से ही ली है। हाँ उसके बाद जो मैंने शॉपिंग की थी बच्चा पार्टी से, ये इतनी मुझे ये प्यारी लगी है ना इसकी कलर, और जो बच्चों को ये पहनाते हैं और पिक्चर्स वगैरह लेते हैं और ऐसे ही शावर के बाद बाद जो पहनाते हैं ना बहुत ही क्यूट लगते हैं बच्चे, तो ये मैंने बच्चा पार्टी से लिया है। ये मैंने जो अभी का साइज है ना उसी के हिसाब से ही ली है कि यूज़ हो जाए, तो ये पीछे इसका प्लान है, इसके साथ एक कैप है अटैच, और ये इसकी पूरी यहाँ पे कार्टून सी बनी हुई है प्रिंट इसकी, और ये यहाँ पे बेल्ट। तो चलिए नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी मैंने बच्चा पार्टी से ही ली है। हाँ ये भी मैंने बच्चा पार्टी से ही ली है, ये भी बिल्कुल प्लान ड्रेस है, उसके नीचे ये सिर्फ डिज़ाइन बने हुए गोल राउंड सी नेक है बिल्कुल प्लेन, और बैक भी इसी तरह का है।
ये ऐसे ड्रेसेस समर में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, इनकी स्टफ बहुत नरम स्टफ है और ये पहनने में ना बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। तो बच्चों को वैसे कंफर्टेबल कपड़े ही पहनाने चाहिए, वैसे भी ये गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। तो ये है कि मुझे बहुत पसंद आया था, ये मैंने लिया है और ये भी मैंने बच्चा पार्टी से ही ली है। ये भी मैंने बच्चा पार्टी से एक जो पोनी होती है पिंक कलर में, और इस पे ये हार्ट पर्ल्स के साथ, छोटे छोटे पर्ल्स के साथ ना हार्ट बनी हुई है। और ये मैंने, ये भी पोनी है, दो का सेट है, ये भी बच्चा पार्टी का है। एक ये मैंने लिया है, साथ में ये दूसरा भी ग्रीन कलर में है इस पे। और ये बैग, ये तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है ना इसके, ये हर बार आप यूज़ करो ये टूट जाते हैं, तो इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अभी एक है वो सारे टूट गए, तो ये मैंने बड़ा वाला नया ले लिया है, जो पोनी वगैरह बनाते हैं ना, ये प्लास्टिक ये है इसमें। ये भी बच्चा पार्टी से ही मैंने ली है। चलिए मैं आपको इसको मैं बाद में समझती हूँ, मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। इसके बाद मैं गई थी अलफते और वहाँ से भी मैंने कुछ शॉपिंग की है अलीना के लिए, वो मैंने विंटर्स के लिए की है। तो एक ये पिंक और वाइट यूनिकॉर्न वाली प्रिंट की, ये मैंने जो ये सूट लिया है बहुत ही प्यारी लग रही थी मुझे पहनने में, तो और भी अच्छे लगते हैं। इसके साथ ये इसके ट्राउजर है, इस पे भी छोटे छोटे प्रिंट्स बने हुए हैं। ये मैंने अलपत्ते से ली थी, प्लेन बैक पीस का ऐसे सेम जो ट्राउजर की प्रिंट है उसी तरह का है। ये दो कैप मैंने ली है विंटर्स के लिए, इस बार वैसे विंटर्स तो आ ही नहीं रहे हैं, शायद विंटर्स हमें भूल ही गए, सर्दियाँ इस बार तो आना ही नहीं है। तो फिर भी मैंने ये कैप्स ली है एक इस डिज़ाइन की। उसके बाद ये एक और कैप मैंने ली है पीच कलर में, और ये ऊपर इसके डिज़ाइन बने हुए हैं प्यारी सी। ये इनकी फैब्रिक बहुत ही कंफर्टेबल नरम और गर्म होती है। अच्छा जी, उसी के साथ ही ना मैंने लिए हैं ये शूज। अच्छा, ये शूज मुझे इतने पसंद आए थे कि देखते ही ना मैंने कहा मुझे तो ये लेना ही लेना है। तो इतनी प्यारी सी ये डिज़ाइन है, और पहनने में जब मैंने अलीना को पहनाया ना इतनी प्यारी लग रही थी वो, तो उसके बाद ही मैंने कहा कि तो ये अब तो लेना ही है। तो इसी के साथ ही आज की शॉपिंग हॉल मेरी हो गई है ख़त्म। ये सारी जो मैंने शॉपिंग की है अलीना के लिए मैंने सब आपको दिखाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ मिलती हूँ आपको किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।